स्पीड से आंख ले दुनिया की खूबसूरत ब्रीड कुंडी ब्रीड अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिंध की जो टॉप ऑफ द लाइन की बफेलोज़ हैं उनके कुछ किट्स दिखाऊंगा। जी हाँ, आज मैं आपको बफेलोज़ नहीं उनके किट्स दिखाऊंगा, उनके बच्चे दिखाऊंगा, उनकी पेडिग्री, उनकी ब्लड लाइन सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और आज ये जो आप ब्रीड्स के बच्चे देख रहे हैं, ये सिंध की टॉप ऑफ द लाइन ब्रीड है, कुंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया में एक अपना हुसन और अपने मिल्किंग कैपेसिटी यानी दूध की जो सलाहियत है उसकी वजह से मशहूर है, और इसमें जो हुसन है उसकी वजह से ये नस्ल मशहूर है। अब मैं जो यहाँ इनके ओनर हैं उनसे भी मिलवाऊँगा और आपको इनकी सारी डिटेल्स इनके साथ शेयर करके दिखाऊँगा कि ये कितना मिल्क देती हैं और इनमें किस तरह पॉइंट्स काउंट होते हैं, कितनी इनके पास बफेलोज हैं, और ये जो किड्स हैं इनकी क्या एज है, और इनकी जो मिल्किंग हिस्ट्री है वो हम इनसे पूछेंगे। गुलाम रसूल भाई से पूछते हैं और इनकी डिटेल्स सारी लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत है। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये भैंसे हैं या इनके बच्चे हैं? ये भैंसों के बच्चे हैं, लेकिन ये तो हमें भैंसे ही लग रही है माशाल्लाह। इनका साइज और स्ट्रक्चर तो ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि भैंसे हों ये। तो वैसे ही हमारी खिदमत है, बाल ये हैं साल साल के और 9 महीने के 10 महीने के बच्चे। 9 महीने 10 महीने 1 साल तक के ये बच्चे हैं? एक साल के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये कौन सी पेडिग्री के हैं, कौन सी ब्लड लाइन के, कुछ बताएंगे एक एक करके हमें? जैसे सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये जो फीमेल नजर आ रही है इसकी एज बताएं सबसे पहले। इसकी एज सर तकरीबन मेरे ख्याल में साल होगी, 1 साल होगी। साल होगी, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये किसकी बेटी है और इसकी मदर का और फादर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। सर ये कुंडी नस्ल है, ठीक है। और इसका फादर जो है वो मशहूर है, पहले भी आपने जो यूट्यूब में यहाँ लगाया था जी जी, जो कबूतर के नाम से मशहूर। कबूतर, अच्छा। ये बच्ची, ये सारे बच्चे जितने बच्चे भी हैं ये सब कबूतर की बच्चे। कबूतर के सर, कबूतर कोई परिंदा है क्या? कबूतर हमने नाम रखा है। अच्छा। और ये सांड है हमारा, पाड़ा है। सांड पाड़ा जी, उसका नाम कबूतर। इसका नाम रखा है कोई आपने, ये जो फीमेल है? हाँ, इसका नाम मलका है। मलका जी हाँ, माशाल्लाह। इसका नाम जो है वो ससुई है। ससुई जी हाँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा खोल के चला के दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। और ये माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, प्यार कर रही है, यानी डर नहीं रही जी हाँ। तो ये इसका क्या राज है सर इसके पीछे? माशाल्लाह, हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ससुई नाम है इसका, बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है, और ये मेरे ख्याल में 10 से 12 मंथ की एज है। अब इसके आते हैं सेकंड नंबर पे, इसके बारे में डिटेल्स बताएं। सर इसका नाम मलका है। मलका जी हाँ, माशाल्लाह। और ये प्योर कुंडी है। प्योर कुंडी है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी एज सर क्या है? इसकी एज भी इतनी होगी, जितनी भी है सब साल की, 9 महीने की। 9 महीने से लेके 1 साल तक, यानी 9 महीने से 12 महीने। 11 महीने। अच्छा, इसको खोल के दिखाइए ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। खोल बाबा मलका को, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, इनकी मिल्किंग हिस्ट्री क्या है? मिल्किंग सर ये तकरीबन 10 किलो टाइम पे, 8 किलो 10 किलो टाइम पे ये देती है। टाइम यानी दिन में 20 किलो दूध देती है? हाँ, दोनों टाइम पे जो है ना 20 किलो, 18 किलो, 20 किलो, 18 किलो से 20 किलो दूध है इनमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नंबर 3 पे आते हैं, ये मेल बफेलो लग रहा है हमें, और इसके बारे में पूछते हैं, इसके बारे में बताइए गुलाम रसूल भाई। कुंडी नस्ल का बच्चा है, कबूतर का बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी आप देखते हैं कि सिंग, एक तो सिंग होते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिंग तो कुंडे बहुत बहुत होते हैं, लेकिन सिंग जो आंखों के ऊपर से जो निकले और बिल्कुल यहाँ पे आए ऐसे सामने, ऐसे सामने आए, हाँ सिंग, वो प्योर कुंडी की निशानी, वो प्योर कुंडी होता है। यानी सिंग जो है आंखों के पास से निकले, आंखों के ऊपर से सिंग निकले, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ऐसे जो है वो बंद हो जाए, बंद हो, खुले हुए सिंग नहीं होने, खुले हुए नहीं हो, यानी यहाँ आके यूँ बंद हो जाए, तो वो प्योर कुंडी की निशानी। और कुंडी में क्या निशानी होती है जो लोगों को नहीं पता, वो बताएं। नहीं, ये जो इसका फेस है ना, ठीक है, वो भी जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना, छोटा फेस होना, छोटा फेस होना चाहिए, छोटा फेस होना चाहिए। और पीछे से जो है, पीछे से जो इनकी वेकल जो है
तो ये ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ये वेकर ज्यादा होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सही सही सही। अच्छा धूम के बारे में कुछ बताए, धूम का कितना पॉइंट, धूम जो है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए, पतला होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल धूम पतला होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और खाल जो इसकी है वो भी सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, नहीं लचक होनी चाहिए इस खाल में, जैसे इसमें। सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलते हैं इसकी तरफ, ये जो मेरे पास में काफी छोटी फीमेल है इसके बारे में बताइए गुलाम सिंह भाई, ये जो खड़ी हुई लास्ट पे, ये भी सर कुंडी नस्ल की है, बच्ची है और माशाल्लाह ये भी अपने हिसाब किताब, ये भी कबूतर की बच्ची है, ये भी कबूतर की बच्ची है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। सर क्या समझते हैं, भैंसों का शौक अपने मुल्क पाकिस्तान में कम हो गया है, बढ़ रहा है, किस तरह है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें अपने बारे में। भैंसों का शौक पहले तो कम था, लेकिन अभी काफी दोस्त जो हैं इसमें शौक में आ गए हैं, ठीक है, अभी शौक बढ़ रहा है मेरे ख्याल में, अभी शौक बढ़ रहा है। जी हाँ सही सही सही। क्या मैसेज देंगे पूरी दुनिया से लोग आपकी, ये आज कबूतर नस्ल की जो भैंसों के बच्चे हैं ये देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये हलाल रोजी है, शौक भी है, अपना कारोबार भी है, ठीक है, और इसको अगर लोग करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। यानी दूध बंदा बेच के अपना घर चला सकते हैं, और भी जरूरियात, और भी जरूरियात पूरी हो सकती है, और शौक भी है अपने हिसाब से, शौक। ऐसे आला नस्ल जो है दुनिया के अंदर आप देखें तो मेरे ख्याल में ऐसे हसीन तरीन नस्ल किसी भी मुल्क में नहीं होंगे, नहीं होंगे, पाकिस्तान में है। अच्छा मैं आपसे सारे एक साथ खोल दें, खोल के छोड़ें ताकि हम अपने व्यूज को दिखाएं कि इनकी जो एक्टिवनेस है या मस्ती जैसे करते हैं बच्चे छोटे, तो अब आपको दिखाएंगे व्यूज, ये आप एक साथ खोलते हैं सारे, उनको थोड़ा भगा के दिखा दें हमारे व्यूज को, ताकि हम अपने व्यूज को दिखाएं कि ये किस तरह। अब मैं आपको थोड़ा सा खोल के और इनको चला के भगा के इनकी आपको फुर्ती दिखाता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चेक करें व्यूज भी, आप चेक करें, जबरदस्त जबरदस्त, ये चेक कर सकते हैं आप कितनी हेल्दी और एक्टिव इनके पास ये बच्चे हैं, और ये माशाल्लाह आपके सामने हैं किस तरह इन्होंने। अब मैं गुलाम रसूल भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमें अपना ये शौक दिखाया। अच्छा गुलाम रसूल भाई एक बात आपसे और पूछें, इनकी वैक्सीनेशन और मेडिसिन के हवाले से आप बताइए कुछ, वैक्सीनेशन आप खुद करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं सरकारी वो इनकी वैक्सीन करके जाते हैं? सर डॉक्टर तो हमारे पास नहीं आते वैक्सीन करने के लिए, हम अपनी खुद वैक्सीन करते हैं, ठीक है, लेके आते हैं हैदराबाद से, फिर खुद करते हैं। खुद आप वैक्सीन करते हैं? खुद करते हैं, अपने पैसों से परचेज करके आते हैं? हाँ। सरकारी मिलती है आपको? पैसे से परचेज करते हैं, पैसों से परचेज, कोई हमें नहीं। अच्छा तो यानी अपना शौक आपने खुद ही बरकरार रखा हुआ है, खुद ही वैक्सीनेशन करते हैं, खुद ही इनकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं? अच्छा अगर बीमार हो जाती है तो आप, डॉक्टर नहीं आता तो फिर आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? हमको तकरीबन सब पता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सी एंटीबायोटिक लगानी चाहिए या कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, वो हमें सब पता है, उसी हिसाब से जो हम करते हैं। अच्छा आप सिंध, सुबह सिंध के कौन से एरिया में आपका ये फार्म लोकेटेड, कौन सी जगह पे से आप? सर ये सुबह सिंध है और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है, ठीक है, और तहसील जो है वो सामारो तहसील डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, और गांव का नाम है सरदार हाजी मीर खान नौकरी, हाजी मीर खान नौकरी। तो व्यूअर्स आज मैंने आपको एक कुंडी के वन ऑफ द बेस्ट ब्लड लाइंस, जिसका आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में मशहूर है अपने हुसन की वजह से और अपने दूध की वजह से, आज आपको उनके ओनर से मिलवाया, उनकी जो बफेलोस के किड्स आए हैं वो दिखाएं, फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नारिजो गोट फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट्स में हमने फीडबैक आपको ज़रूर देना है। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।